हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एनपीए पर रघुराम राजन का खुलासा, पीएमओ को लिखा था बैंक घोटालों पर पत्र, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फंसे हुए कर्जों की इस देश की बैंक की सबसे बड़ी समस्या बन गया। इस कारण देश के बैंकों को सालाना हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, साथ ही वो बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन इसको लेकर पूर्व आरबीआई गवर्नर ने जो खुलासा किया, उसके बाद पीएमओ पर सवाल उठना लाजमी है। एनपीए बैंकों का वो लोन होता है जिसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती। इस कर्ज में 90% से ज्यादा हिस्सा उद्योगपतियों का है। अक्सर उद्योगपति बैंक से कर्ज लेकर खुद को दिवालिया दिखा देते हैं और उनका लोन एनपीए मिल जाता है। यही उस लोन के साथ होता है जिसे बिना चुकाए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। रघुराम राजन ने कहा कि बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े बहुचर्चित मामलों की सूची उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय को कार्रवाई के लिए सौंपी। राजन ने संसद की एक समिति को लिखे पत्र में ये बात कही। आकलन समिति के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी हैं। राजन ने कहा कि दुर्भाग्यवश किसी भी एक बड़े घोटालेबाज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, इस वजह से ऐसे मामलों में कमी नहीं आ सकती। रघुराम राजन ने इस खुलासे के बाद पीएम मोदी पर ज्यादा सवाल इसलिए उठाए क्योंकि राजन सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक आरबीआई के गवर्नर थे। अपनी रिपोर्ट में राजन ने कहा कि बैंक अधिकारियों के अति उत्साह, सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुस्ती तथा आर्थिक वृद्धि दर में नरमी, डूबे कर्ज में बढ़ने की प्रमुख वजह है। राजन ने संसदीय समिति से कहा, जब मैं गवर्नर था तब आरबीआई ने फ्रॉड मॉनिटरिंग का एक विभाग बनाया था ताकि छानबीन करने वाली एजेंसी को फ्रॉड केस की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा, मैंने तभी पीएमओ को हाई प्रोफाइल फ्रॉड केस के लिए सुभेजी और उनमें भी किसी एक या दो घोटालेबाजों की गिरफ्तारी के लिए कोऑर्डिनेशन की गुजारिश की। मुझे नहीं मालूम कि उस बारे में क्या प्रगति हुई। एक ऐसा मामला जिस पर तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए थी। गौरतलब है कि लगातार सामने आ रहे बैंक घोटालों के चलते पिछले कुछ महीनों से बैंकों को घाटा बढ़ता ही जा रहा है। देश के 21 सरकारी बैंकों में से 15 को 2017-18 की चौथी तिमाही में 47,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हो गया। सरकारी बैंकों के एनपीए पिछले कुछ सालों में इसी तरह की बढ़ोतरी देखी गई। रिजर्व बैंक ने बताया कि मार्च 2018 में एनपीए 10.40 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जबकि 2013-14 में ये 2,40,000 करोड़ था। देश में लगभग 90% एनपीए सरकारी बैंकों का ही है। कम बजट के चलते 1.5 लाख सैनिकों की नौकरी खतरे में, मीसा बोली। मोदी सैनिकों को कम कर सकते हैं लेकिन अपना प्रचार नहीं। देश में बेरोजगारी की समस्या अब और बढ़ सकती है क्योंकि भारतीय सेना अपनी 1.5 लाख नौकरियों को कम करने के प्रस्ताव पर काफी गंभीरता से विचार कर रही है। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 7 वरिष्ठ सैन्य कमांडर से राजधानी दिल्ली में एक खास मीटिंग करने वाले हैं। दरअसल सेना प्रमुख रक्षा बजट के बेहतर इस्तेमाल के लिए 12.6 लाख सैनिकों वाली भारतीय सेना को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं। सेना प्रमुख की राय है कि रक्षा बजट का करीब 83% हिस्सा सैनिकों की सैलरी में खर्च होता है और आधुनिक हथियारों के लिए सेना के पास महज 17% बजट ही रह पाता है। खबरों के मुताबिक हथियार की कमी से जूझ रही भारतीय सेना इन 1.5 लाख नौकरियों को खत्म कर इससे बचे पैसे से आधुनिक हथियार खरीदने की योजना बना रही है। नौकरियों में कटौती के इस प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा सांसद एवं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट कम करने के चलते भारतीय सेना में 1.5 लाख नौकरियां खतरे में हैं, लेकिन केंद्र सरकार सेना का बजट बढ़ाने के बजाय अपने प्रचार पर पैसे खर्च कर रही है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, भारतीय सेना में 1.5 लाख नौकरियां खत्म करने की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा किए बिना बाकी सेना के लिए साजो समाज नहीं आ पाएगा। प्रचार की धार कभी कुंद ना हो पाए, फिर चाहे सैनिक या उनकी नौकरियां ही क्यों ना काटी जाए। बता दें कि अभी सैनिकों को सैलरी देने के बाद सेना के पास महज 26,826 करोड़ रुपए बचते हैं। सेना इस राशि को बेहद कम मानती है। 1.5 लाख नौकरियां खत्म करने के बाद सेना के पास खर्च करने के लिए 31,826 से 33,826 करोड़ रुपए होंगे, जिससे आधुनिक हथियार खरीद जा सकेंगे। सीएजी रिपोर्ट ने वसुंधरा राजे के झूठ के दावे की पोल खोली। 16 लाख नहीं बल्कि 9,904 लोगों को मिला रोजगार। राजनीति में सीना ठोककर झूठ बोलना पिछले कुछ सालों में एक नई धारा के रूप में आया। नेता सड़क से संसद तक सफेद झूठ बोलते हैं। नई धारा का स्तर इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इसका हिस्सा बन गए। ऐसा ही कुछ राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। सीएम राजे ने राजस्थान के 9,904 लोगों को नौकरी देकर दावा किया कि उन्होंने राज्य में लाखों लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ने इस झूठ का पर्दाफाश कर सबके सामने लाकर रख दिया।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कुछ दिनों पहले एक चुनावी रैली में दावा किया कि उनके शासनकाल में कुल 16 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलवाए गए। सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने बेरोजगारों को 3.25 लाख सरकारी नौकरियां दी, इनमें से 1.35 लाख नौकरियां अभी सरकारी प्रक्रिया में है। इतना ही नहीं, सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने राज्य में करीब 20 लाख लोगों को मुद्रा योजना के जरिए स्वरोजगार मुहैया कराए, इनमें मीणा समुदाय के लोगों को भी लाभ पहुँचाया गया। वहीं सीएम के दावों पर सीएजी रिपोर्ट में उंगली उठाई गई। इस महीने राजस्थान विधानसभा के पटल पर रखी गई इस रिपोर्ट में राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 2014 से 2017 के बीच उपलब्ध कराए गए प्लेसमेंट के आंकड़ों को संदेहास्पद बताया गया। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि इस दौरान कुल 1,27,817 युवाओं ने स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली, इसमें से 42,758 को प्लेसमेंट मिला, लेकिन सीएजी की तरफ से किए गए भौतिक सत्यापन में मात्र 9,904 लोगों को ही असली रूप में प्लेसमेंट पाया गया। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में राज्य में अविलंब स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देकर बेरोजगारी दूर करने की सलाह देकर इसको आगे बढ़ाया। दरअसल 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनी तो राज्य में 15 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। तब युवाओं ने उन्हें खूब वोट दिया। 200 सदस्यों वाली विधानसभा में तब बीजेपी को 163 सीटें मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस साल फिर से राज्य में विधानसभा चुनाव है और बेरोजगारी को लेकर भाजपा केंद्र से अन्य राज्यों तक में आलोचना झेल रही है। शायद इसीलिए सीएम राजे ने हकीकत पर दावे चुनावी रैली में कर दिए। आरटीआई में खुलासा, नोटबंदी के दौरान जनधन खातों में करोड़ रुपए हुए जमा, कालेधन को सफेद कर रही पीएम मोदी की योजना। नोटबंदी और उस समय शुरू की गई सरकार की योजनाओं को लेकर जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं वो सरकार की मंशा और इस बड़े कदम के पीछे उसकी तैयारी पर कई सवाल उठाते हैं। एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना कालेधन को सफेद करने का साधन बन गई है। समाचार वेबसाइट मनी लाइफ ने एक आरटीआई में मिली जानकारी के आधार पर इसे बताया कि देश भर के बैंकों में खुले जनधन खातों में करोड़ों रुपए जमा किए गए। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं विभाग ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि नोटबंदी के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक जनधन खाते में 93.82 करोड़ रुपए जमा किए गए। ये सिर्फ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कहानी नहीं बल्कि अन्य भी कई बैंकों के जनधन खातों में बड़ी रकम जमा की गई। बैंक ऑफ इंडिया के एक जनधन खाते में 3.05 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, यूनियन बैंक में 1.21 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 98.45 लाख, देना बैंक में 94.45 लाख, आईडीबीआई में 32 लाख, अन्य कई बैंकों में भी जनधन खातों में लाखों रुपए जमा किए गए। हकीकत में ये बात तो इसलिए चौंकाने वाली है कि ये खाते उन गरीब लोगों के लिए खुलवाए गए थे जिन्होंने अभी तक बैंकों में खाते ही नहीं खोले थे, इसलिए इन खातों को शून्य बैलेंस मतलब शून्य रकम पर खोला गया। इन जनधन खातों में नियम के मुताबिक 1 लाख रुपए से ज्यादा एक साल में जमा नहीं कराए जा सकते और एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा निकाले नहीं जा सकते। तो ये साफ हो जाता है कि जिन लोगों के ये खाते हैं उन्होंने ये रकम जमा नहीं कराई। नियमों के कारण वो चाहकर भी इतनी बड़ी रकम जमा नहीं करा सकते। मतलब ये जरूर हो सकता है कि बैंकों के कर्मचारी कुछ लोगों का पैसा इन बैंक खातों में डाल रहे हैं ताकि उसे सफेद कर बाद में बैंकों से निकाला जा सके। मतलब साफ है, प्रधानमंत्री मोदी की ये योजना कालेधन को सफेद में बदलने का साधन बन गई। गौर करने वाली बात ये भी है कि सरकारी बैंकों में इस तरह के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। सवाल यह है कि कालेधन के नाम पर नोटबंदी कर देने वाली सरकार अब तक क्या कर रही है, या फिर उसने सब कुछ पता होने के बावजूद आंखें मूंद ली। कहीं इस राजधन खाते में योजना को शुरू करने का मकसद कुछ और तो नहीं था। आरटीआई में सिर्फ 20 सरकारी बैंकों से सवाल किए गए थे जिनमें से कई अभी तक जवाब नहीं दे पाए और उनके आंकड़े आने बाकी हैं। आरटीआई में निजी बैंकों और सरकारी बैंकों यानी कॉपरेटिव बैंक के आंकड़े नहीं है। जब सरकारी बैंकों में ये हाल है तो निजी बैंकों में इस योजना के अंतर्गत खुलने वाले जनधन खातों का प्रयोग कैसे किया गया होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। रुपए की गिरावट पर मूडीज ने जताई चिंता, कहा भारतीय कंपनियों को होगा भारी नुकसान। डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा रुपए के मूल्य में लगातार जारी गिरावट पर अब विश्व की जानी मानी रेटिंग एजेंसीज मूडीज ने चिंता जताई। एजेंसी ने कहा कि जिस तरह से रुपए में गिरावट आई उसका प्रभाव भारतीय कंपनियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने सोमवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग नकारात्मक हो रही है, जो कि खास तौर से उस कंपनियों के लिए ज्यादा नकारात्मक हो रही है जो अपना राजस्व रुपए में कमाती है और अपने परिचालन पर खर्च करने के लिए डॉलर पर निर्भर रहती है। ये वही रेटिंग एजेंसी है जिसके द्वारा भारत की जीडीपी बढ़ने की आशंका जताने पर मोदी सरकार ने खुद को श्रेय दिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली से लेकर भाजपा के विधायक तक सड़क से सोशल मीडिया पर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन अब सबने समझदारी से चुप्पी साध ली है।
अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रुपया सोमवार को नई गिरावट 72.67 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो कि पिछले कारोबार की तुलना में करीब 1 रुपये की गिरावट है। इस साल रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक 13% गिर चुका है। मूडीज ने कहा, लगातार कमजोर होता रुपया भारतीय कंपनियों के क्रेडिट को नकारात्मक कर रहा है, खासतौर से वैसी कंपनियों को क्रेडिट जो रुपये में कमाई करती है लेकिन पूंजीगत व्यय समेत विभिन्न परिचालन व्यय यानी खर्च डॉलर में करती है। उस तरह की भारतीय कंपनियां जो भारत से बाहर भी व्यापार व व्यवसाय करती हैं, हालांकि ज्यादा कमाई वाली और निवेश की श्रेणी वाली 24 भारतीय कॉर्पोरेट जिनकी रेटिंग मूडीज करती है उनमें से 12 कंपनियां अपनी कमाई डॉलर में करती हैं। मूडीज द्वारा रेटिंग की जान ली भारतीय कंपनियां आईटी, तेल व गैस, रसायन, वाहन, कमोडिटी, स्टील और रियल एस्टेट क्षेत्र की हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।